बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बिहारी कीमा, क्योंकि गोश्त है और आजकल गोश्त गोश्त की रेसिपी बनेंगी, तो मैं आज भी गोश्त ही की बीफ की लेकर आई हूँ रेसिपी। बीफ कीमा है ये, 1 किलो तकरीबन, 1 किलो से कम होगा। तो इसकी करते हैं मेरीनेशन, इसको मेरीनेट करते हैं। तो ये मैंने 1 अदद प्याज ली थी और ये तली हुई प्याज है 1 अदद। हम जल्दी जल्दी अपना काम निपटाएंगे, टाइम बहुत कम, ठीक है। और ये है, ये 1 टेबलस्पून मैंने दो तकरीबन लिया है अदरक का, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने लहसुन, 6 अदद मैंने हरी मिर्चें और 1 टुकड़ा मैंने छोटा पपीता, कच्चा पपीता लेकर उसका पेस्ट बना लिया इन चारों चीज़ों का, और ये भी हम डाल देंगे। और ये है लीमू का रस, 1 लीमू लिया था वो मैं डाल दूंगी। और ये है ज़ीरा, 1 टेबलस्पून है कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून है धनिया, 1/2 टीस्पून है ये रेड चिली, लाल मिर्च पिसी हुई, 1/4 चम्मच हल्दी का है पिसा हुआ, और ये है काली मिर्च 1/2 चम्मच, नमक 1 टीस्पून, और ये लाल मिर्ची भी है जो कुटी हुई है लाल मिर्च, इसको भी हमने 1 टीस्पून लिया है। और फिर नमक मिर्च आप अपनी यानी जायके के मुताबिक आप बना सकते हैं। तो हम इसमें दही और डालेंगे। तो ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही डाल दिया, 1/2 पाव से कुछ कम, ठीक है। और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और मैं इसको 2-3 घंटे के लिए, या आप जी चाहे जितना सुबह से शाम और शाम से सुबह तक के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, और जब जी चाहे निकाल कर आप इसको बना सकते हैं। तो मैं अब ये रख रही हूँ। तो जितने मैरिनेट होता है वो कीमा, तो मैंने ये सरसों का ऑयल लिया है 200 ग्राम, और इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे। ये बिहारी खानों में ज़्यादातर सरसों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने सरसों का इस्तेमाल किया है कीमा बनाने के लिए। तो इसका थोड़ा कलर चेंज होता है, तो मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी और इन्हें छोटा छोटा चॉप कर लिया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ऑयल गर्म हो गया है तो मैं डाल दूंगी प्याज। हम इसे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा सोते करेंगे। हमने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से प्याज में, और ये थोड़ा खुश्क हो जाए होने के बाद, इसका पानी, कीमे का पानी जलने के बाद
मैं इसके गलने का पानी डालूंगी, एक गिलास छोटा या एक कप तकरीबन। तो डालेंगे हम कीमे का पानी खुश होने के बाद। ये पानी खुश हो गया है तो मैं इसमें अब गलने का पानी डाल दूंगी। कीमे का पानी खुश को मैंने जला लिया, ये देखें, और अब मैं डालूंगी इसमें कीमा गलाने का, क्योंकि हाथ का कुटा हुआ था, ये थोड़ा मोटा है। और हम इसे ढककर गलने के लिए रख देंगे। तो ये देखें, पानी इसका खुश्क होने पे है और ये गल भी गया होगा। तो अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ टी स्पून के करीब। ये मैंने हरा मिर्चें, अदरक और ये गरम मसाला इस पर छिड़क दिया है, और ये मैं दम पे रख दूंगी। बस ये हमारा कीमा तैयार है। मैं डिश आउट नहीं करूंगी, आप इसी में देख लें और आप रेसिपी ये फॉलो करें। ये बहुत मज़े का कीमा बनता है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी शक्ल इतनी अच्छी लग रही है कि ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप भी बनाएं, मेरी तरह से बनाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर ज़रूर, और शेयर करें दोस्तों में, लाइक करें और बताएँ कि मुझे कॉमेंट करके ये कैसा लगा आपको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।